पंजाब ही नहीं देश भर में गेहूं से एलर्जी के पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी कोई भी चिकित्सा नहीं है जिसमें गेहूं से एलर्जी की बीमारी का इलाज हो। संत जगदीश मुनि द्वारा 5 दिन में गेहूं से एलर्जी की बीमारी का इलाज सफल तरीके से कर दिया जाता है। संत जगदीश मुनि द्वारा अब तक 10,000 से भी ज़्यादा गेहूं से एलर्जी से पीड़ित रोगियों का इलाज बिना दवाई किया जा चुका है। उनसे इलाज लेने के बाद यह बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं संत जगदीश मुनि द्वारा बिना दवाई गेहूं से एलर्जी की बीमारी का सफल इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर संत जगदीश मुनि जी के पास रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संत जगदीश मुनि द्वारा 5 दिन में गेहूं से एलर्जी की बीमारी का इलाज कर दिया जाता है। अपनी बीमारी से निजात पाने के बाद लोग यहां पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं यहां पर पहुंचे कुछ लोगों से जो अपनी बीमारी ठीक होने के बाद अपने अनुभव साझे कर रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। यहां सर की नाम है? सर पहले नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं जम्मू का रहने वाला और मैं CIPF छत्तीसगढ़ में नौकरी करता हूं। और मैं RBI लाइफ मीडिया के चैनल द्वारा मैं देखा है यूट्यूब कि बच्चे का जरा गेहूं की एलर्जी नाल मतलब बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है। अपने बाबा जी संत जगदीश मुनि इन्होंने मतलब यूट्यूब काफ़ी प्रचार किए अपना और इनका जरा मतलब इलाज इन्होंने जरा इलाज बच्चों का गेहूं की एलर्जी नाल जरा इलाज करते बहुत बहुत वधिया करते हुए हैं। अच्छा इलाज है, मेरे बच्चे का अजय 5वां दिन है, बहुत वधिया इलाज है। बच्चा एक्टिव है काफ़ी और मतलब रोटी भी खाता पे है वो और हमें मतलब इधर आके बहुत प्रशंसा भी हुई, खुशी हुई है। और काफ़ी लोगों का इलाज हुआ है जहाँ पे जो लोग दूर दूर से आए थे, बिहार से आए हैं, कहीं मतलब पंजाब से आए हैं, कहीं चंडीगढ़ से आए हैं, जम्मू से भी आ रखे हैं, तो बच्चे आराम मिला है। हरियाणा से भी आ रखे, गुड़िया रख दी उनको भी मतलब वो भी रोटी खा रहे हैं, हमारे साथ ही रहते थे होटल में, तो उनको भी मतलब रोटी खाना शुरू हो गए, उनको भी आराम है काफ़ी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ RBI मीडिया चैनल वालों को भी और गुरुजी संत जगदीश मुनि आचार्य इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने मतलब जो अपना जो थेरेपी द्वारा जो मतलब इन्होंने अपनी हाथ की कला है उसके द्वारा जो उन्होंने मतलब लोगों का भला कर रहे हैं। एक भगवान के दूसरा रूप भगवान ने भेजा है इस जमीन में, जगह पर दुनिया में, जो लोगों का मतलब काफ़ी भला हो रहा है और काफ़ी पैरालाइज वाले भी लोग मैंने देखे हैं ठीक हुए हैं। और बाकी कहीं का घुटने का दर्द, माइग्रेन वाले काफ़ी लोग जो उनको आराम मिला, मैंने खुद वो देखा है। मेरा नंबर है, नहीं तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी मेरा ये मतलब यूट्यूब में देखेंगे तो मेरा नंबर 7889663987, तो मेरे से मतलब बात भी कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि मुझे इसमें कोई फरार नहीं है, कोई मतलब 2 नंबर का काम नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा कोई पैसा खर्चा नहीं है, खाली मात्र 120 रुपये की पर्ची कटवानी है आपको, बस उससे ज़्यादा तो कोई खर्चा नहीं है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं फिरोजपुर की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 4-5 दिन का कैंप अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, योगा क्लासेस ज्वाइन की, मेरा सर और हाथ पैर बिल्कुल थोड़े से ऐसे हो गए थे लेकिन यहाँ आने से मुझे बहुत फ़र्क है। मेरे बेटे को भी दिखाया तो 2 दिन की में काफ़ी फ़र्क आया है जी। आगे भी सोच रहे हैं ऐसे कैंप अटेंड करें और आप RBI वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? मेरा नाम जेपी है। कहाँ से आए हो? हम हरियाणा से आए। किस बीमारी से पीड़ित थे? पीट एलर्जी की वजह से। कितनी देर से? मुझे 1 महीना हो गया पता लगी पीट एलर्जी की बीमारी और इसी वजह से फिर हमें पता चला यूट्यूब पे स्वामी जी की वीडियो देखी तो इसी वजह से फिर हम यहाँ इलाज करवाने के लिए, तो अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल खाना खा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्वीट एलर्जी से पीड़ित है? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं जितनी परेशान हुई हूँ सभी बच्चे हो रखे इतने परेशान, तो सभी आश्रम में आए एक बार हो जाएगा, मुझे तो पक्का आराम। मेरा नाम मोहनलाल विश्नोई है, मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करता हूँ चंडीगढ़ में, राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ जी। क्या बीमारी थी आप? मेरे को वीट एलर्जी थी 6-7 साल से, अभी 2 साल से पता चला, मैंने सारी जगह इलाज करवा लिया, कहीं कुछ आराम मिला। 5 दिन से मैं गेहूँ खा रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं, गेहूँ की रोटी खा रहा हूँ
मुझे अभी तक कोई। कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया? मैंने हर जगह से ट्रीटमेंट लिया, जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही है वहाँ से एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तीनों तरफ की किसी से आराम नहीं मिला जी। और 5 दिन में मुझे इतना आराम मिला है कि मैं, मेरे दिल ये कह रहा है कि गुरुजी के चरणों में बैठा हूँ और मुझे आराम मिल जाएगा पूरा। कौन से गुरुजी से आपने इलाज करवाया? मैं संत जगदीश मुनि जी से ट्रीटमेंट करवाया 5 दिन, आज 5वां दिन है और आज मैं जा रहा हूँ, छुट्टी लेके आया हूँ मैं इसके लिए स्पेशली सर, गुरुजी से मिलने के लिए। जी आज आप ठीक हो गए हैं, इस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस किसी भाई को गेहूँ की वीट एलर्जी है वो एक बार गुरुजी से इलाज जरूर करवाए, उन्हें जरूर फायदा होगा, श्रद्धा और विश्वास लेकर आए। जिला भिवानी से यहाँ बाबा जी कैंप में आया हूँ, मेरे बच्चे की वीट एलर्जी थी जिसमें काफ़ी हद का चेकअप कराया लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, तो बाबा जी के शरण में आए हैं जिससे कि बच्चे ने रोटी भी खाई है 3-4 दिन से, बच्चों का भी फायदा हो रहा है जी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बाबा जैसे बोल रहे हैं, मुझे बाबा जी में पूरी श्रद्धा और विश्वास है जी। जो बाबा जी कैंप लगा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम बाबा जी से। संत जगदीश मुनि जी के शिविर में आप कैसे पहुँचे? ये हमें यूट्यूब से पता चला था जी, जिससे यूट्यूब में देखा तब हम यहाँ पर आए। तो आपने इससे पहले भी कहीं इलाज करवाया था? इससे पहले भी होम्योपैथी वगैरह में देख रहे हैं। अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ वहाँ कुछ? नहीं अभी तक कोई, मतलब ये इलाज सबसे बेस्ट। हाँ। क्या संदेश देंगे जो इस बीमारी से पीड़ित है उन लोगों को? यही देंगे जी कि ज़्यादा कहीं चक्कर बाबा जी के शरण में आए, आप बच्चों को जरूर फायदा होगा। नहीं थोड़ा गुरप्रीत सिंह कितों रहने वाले हो? की प्रॉब्लम से तुम? पेट की प्रॉब्लम। सही, फिर किस तरह का इलाज लग गया संत जगदीश मुनि जी को? तो किस तरह पहुँचे? बहुत फर्क पड़ गया। किस तरह पहुँचे संत जी को? मेरे मगर आए। अच्छा, तो हम ठीक हो तो की मैसेज देना चाहोगे जो लोग इस बीमारी की प्रॉब्लम है जी? इतने जरूर एक बार इन्होंने को आन तो अपनी प्रॉब्लम दसा तो जरूर इतों ठीक हो गए जाएंगे। मैं जी आपका सीवा, कहाँ से आए हो? दिल्ली रोहिणी सेक्टर वाले। इस संत जगदीश मुनि जी के शिविर में कैसे पहुँचे आप? यूट्यूब पे देखा था। कैसे आए आप यहाँ? हम ट्रेन से। किस लिए आए थे? वो वीट एलर्जी बच्चों को, दोनों बच्चों को। अच्छा, अच्छा, तो आपने कितने दिन इलाज लिया इनसे? यहाँ हमने 5 दिन इलाज लिया है। तो किस तरह का इलाज इनके द्वारा दिया गया? इलाज बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे बच्चे बिल्कुल गेहूँ तो लेते भी नहीं थे, रोटी खाते नहीं थे बिल्कुल भी, अब बहुत अच्छे से रोटी खा रहे हैं। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो ऐसे बच्चे हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं उनको? मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई यहाँ के इलाज करवाओ, बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है, डॉक्टरों के पास उनका कोई इलाज नहीं है और जगदीश सर धूनी जी के पास उनका पूरा इलाज है और बच्चे ठीक होके जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे दोनों ठीक हो गए। 5 दिन का इलाज लिया आपने? हाँ जी, 5 दिन का इलाज लिया हमने।